नकोदा से मैथपुर रोड पर शुगर मिल में आज बोर्ड डायरेक्टर के इलेक्शन के नॉमिनेशन भरने के आखिरी दिन नकोदर हल्का विधायक गुरु प्रताप सिंह बडाला शुगर मिल पहुंचे। वह मिल के अधिकारियों व कांग्रेस सरकार पर अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी अकाली सरकार के समय इलेक्शन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब वे अपनी प्रॉक्सी जमा करवाने आते हैं तो उनको कोई भी प्रॉक्सी जमा करवाने को तैयार नहीं, बल्कि मिल के GM साहब अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। यदि कांग्रेस सरकार ने अपने ही नुमाइंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। एक तरफ तो किसान सड़कों पर जाम लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी पेमेंट रुकी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार इलेक्शन कराने में भी शरेआम नाकामी दिखा रही है, जिसके लिए बडाला ने कहा कि किसानों का इंसाफ दिलाने के लिए वे हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। नकोदर से पनीत अरोड़ा। आज नकोदर शुगर मिल दी इलेक्शन दे संबंध विच अखीरली तरीक सी जिहड़े नकल मते ने सोसाइटियां दे उन्हां नूं जमा करवाउण वास्ते जिहनूं आपां प्रोक्सी कहिंदे आ। असीं सारे ही जिहड़े दो जोन ने सोसाइटियां दे, एक नकोदर जोन दूसरा शाहकोट जोन, उन्हां तों प्रोक्सियां लै के तकरीबन जिहड़ियां 75 तों 80 प्रोक्सियां सीगियां नकोदर जोन दियां ते शाहकोट दियां तकरीबन होणियां 45 तों 50 प्रोक्सियों लैके आए हैं। तो बहुत ही सानू इस गल का अफसोस आ, बड़ा हिरख आता कि कांग्रेस की सरकार ने अज लोकतंत्र के नाल बहुत वड्डा मजाक किया। जिहड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट जिहड़ी कि लोगों के अपने सहयोग वास्ते बनी आ, एक दूजे के नाल आसरे नाल चलन वास्ते बनी आ, जिहड़ी कि लोगों के भले वास्ते काम करती आ, जिहड़ी सोसाइटियां ने या होर भी जिहड़े अपने खेत्र आ इस मूवमेंट का, जिवें शुगर मिल की गल कर लो, ये किसानों की मिल आ, बड़े उदों जोर ना इतने लैके आती सी अपने इलाके, तो काफ़ी लंबे समय तो किसानों वास्ते ये गन्ने की जिहड़ी पड़ाई करती आ ते वधिया तरीके ने चलती है। अगे भी इलैक्शन हुई इस मिल दियाँ, पर अगे कदी नहीं इदा होया कि जिहड़ियां प्रोक्सियां जिहड़े मते असीं लैके आईए तो वह साढ़े तो मते ना लैन, GM अपनी कुर्सी छड़ के कोठी चला गया, अपने आप नूं उत्थे बंद कर लिया उन्हें अपने कोठी विच, जिम्मेवारी तो अपने दौड़ गया भज गया। तो सारी गल अगर आप निचोड़ कढ़ते हैं कि अज बहुत वड्डा मजाक होया कोऑपरेटिव मूवमेंट ना अते लोकतंत्र ना, जे कांग्रेस दे अपने मंत्री या कांग्रेस दे लीडर अपने नुमाइंदियां नूं इस मिल दा अपने बोर्ड विच बनाउणा चाहुंदे ने धक्के नाल डायरैक्टर, फिर असीं उहनां नूं कहिंदे कि नॉमीनेट कर दिओ, फिर तुहानूं कोई इलैक्शन कराउण दी लोड़ नहीं। देखो एक पासे 425 करोड़ रुपया किसानां दा सरकार ने देना, हजे प्राइवेट मिलां ने देना हजे, तो सारा अपने GT रोड जाम हो गया कल का, सारा अपना मुकेरिया वाला पासा जाम हो गया, अमृतसर जाम करन जा रहे हैं, तो कह लो भी दुआबा तो माझा किसानों ने बंद कर देना अगर सरकार ने कोई फैसला ना लिया तो। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को फर्क ही कोई नहीं गा, सरकार वालों कोई फैसला नहीं आ रहा। बादल साहब भी सके जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपया मिलों दिता कि जोड़ा तुम अपना शेयर आ जो अपने स्टेट का तुम सड़ तो लाओ तो किसानों दो, तो यह भी सरकार कर सकती है, पर कोई सरकार ने फैसला लिया नहीं गा, तो सारी किसानी अज सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। तो दूसरे पासे एक पासे पैसे नहीं देने, दूसरे पासे जिहड़ियां इलैक्शन करा रहे हैं वह भी कह लो लोगों दी अखां च मिट्टी पा रहे हैं, लोगों के नाल बहुत वड्डी बेइंसाफी हो रही है। अज सारी प्रेस नूं दिखाता कि कांग्रेस का सही चेहरा की है, अगर कांग्रेस के लोग लीडर जिहड़े अपने लोकतंत्र विच विश्वास करते तो अज साडे तों प्रोक्सियां लैंदे सानू उन्हां दी रसीद दिंदे तां इलैक्शन फ्री एंड फेयर कराउंदे, जिहनूं लोग वोटां पाउंदे तां उह अपने डायरैक्टर बन जाण, तो जे वोटां दे उपर भी धक्के दे नाल अपने नुमाइंदे लैणे आ फिर वोटां दा जिहड़ा हैगा ये सिलसिला इहनूं कोई लोड़ नहीं इहनूं अपने करन दी, अपने बंदे नॉमीनेट करो तो अपना बोर्ड बनाओ, पर इहदा तुसीं जिहड़ा सिट्टा आ आउण वाले टाइम 'च तुहानूं भुगतना पऊगा। आ सारे किसान आए ने, सारे अपने नकोदर दे सारे इलाकियां तों, नवें शहर तो आ, फिर अपने कपूरथले तो आ, सुल्तानपुर लोधी तो आ, कोई फलौर तो आया, कोई शाहकोट तो आया, कोई अपने आदमपुर तो आ, कोई भोगपुर दे आ, कोई बेगोवाल दे भी इत्थे अपनी सोसाइटियां मैंबर आ, पलथ दीआं सोसाइटियां मैंबर आ। दसो की करन जा रही है सरकार, कोई जिम्मेवारी इन्हां ने निभाई नहीं है। सो सारा ये इलैक्शन का तरीका बिल्कुल फ्रॉड आ। अज भी असीं तुहानूं तुहाडे मीडिया के राही सरकार नूं अपील करदे हां कि हजे भी टाइम आ, तुसीं इलैक्शन नूं बिल्कुल लोकतंत्रिक तरीके दे नाल कराओ, फ्री एंड फेयर कराओ, ताकि लोगों को विश्वास बजे अपने अदारियां ते, अपने नुमाइंदियां ते लोगों को विश्वास होवे, लोगों को सरकार ते विश्वास होवे
कि सरकार साढ़े वास्ते जो कर रही है सही कर रही है, धक्का नहीं कर रही। सो सानू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि जलंधर जिले च ते खास तौर पर दुआबे च कभी अगे इहदा धक्का नहीं होया। जो धक्का करन जा रहे आ कांग्रेस के लीडर, इन्होंने अपनी हार मान ली आ। जे इन्हां को अज इन्हां दे को अपने किसान इन्हां नाल खड़े हुंदे ते अज अपने आप वोटां अगे जमा कराउंदे ते अपने हिक हिक थापड़ के भी साढ़े बराबर इलैक्शन लड़ते तो असीं कह सकते सी लोग इन्हां नाल आ। पर इन्होंने पहले ही शो करता कि लोग नहीं इन्हां दे नाल, इह लोकां दा इन्हां ते विश्वास टुट गया। इत्थों तक कि इन्हां दे मैंबर पार्लीमेंट राज्य सभा दे कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े इत्थे दे प्रधान रह चुके आ, सरदार प्रताप सिंह बाजवे दा बयान आ कि मैं धरना दऊंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा जे किसानां नूं सरकार वालों उन्होंने गन्ने के पैसे ना दिते गए। तो जिहड़े एम पी ये कह लग पैन कांग्रेस पार्टी दे कि तुसीं आपे अंदाजा लाओ कि सरकार की किन्नी दुर्दशा आ, किन्नी सरकार की जिहड़ी इस गल विच घाटा हो रहा ते सरकार अपना जिहड़ा हैगा घाटा करा रही है। सो अपील करते हैं कि सरकार के जिन्हें भी नुमाइंदे हो, मिनिस्टर हो, एम एल ए हो, कि आप अपना भाईचारा कायम रखिए, सांझा नूं बरकरार रखिए, लोकतंत्र ते विश्वास करिए। विधान दे थले रह के अगर आप कहने कि हिंदुस्तान सब तो वड्डा लोकतंत्रक देश है सारी दुनिया का, तो विधान दे थले रह के इलैक्शन का प्रोसैस बिल्कुल न्यायशील तरीके नाल करवाउणा चाहीदा, फ्री एंड फेयर करवाउणा चाहीदा। किसी का हक नहीं मारना चाहीदा, किसी का हक खोना नहीं चाहीदा। हर एक नूं अपने हक की वरतों करन दी अपने आग्या होनी चाहीदी है। तां ही आपां सरकार नूं कहांगे कि सरकार अपना फर्ज निभाउंदी है। पर हुण बिल्कुल सरकार अपने फर्जा तो दौड़ गई जो अज सानूं दिस रहा। सो बहुत वड्डा धक्का असीं इहदा जिहड़ा हैगा आउण वाले समें च कानूनन तौर पर इहदा जिहड़ा संघर्ष भी करांगे ते इहदे अपने हाई कोर्ट भी जावांगे, कानून का दरवाज़ा खटखटावांगे तां कि इहनां लोकां नूं, किसानां नूं, सोसाइटियां नूं असीं इंसाफ लै के दे सकीए ते जिहड़ी इलैक्शन आ सही तरीके दे नाल, न्यायशील तरीके नाल, फ्री एंड फेयर तरीके नाल इलैक्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सारयां दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।